Big news that's coming in connection with the Mahadev betting app case. Actor Sahil Khan has been summoned by the Mumbai Police. He is scheduled to record his statement before the authorities today regarding his alleged involvement in the matter. Remember, viewers, Sahil Khan was earlier issued summons in connection with the case earlier in December as well. But he said that he was not available and was out of the country. Now, fresh summon has been issued to the actor. My colleague Satyavijay joins us live on the story. Satyavijay, very good morning to you. Please tell us more details into the case and the alleged involvement of Sahil Khan in the matter. देखिए, महादेव बेटिंग ऐप मामले में आज मुंबई पुलिस की साइशी की टीम एक्टर साहिल खान से पूछताछ करेगी। साहिल खान को दिसंबर में ही मुंबई पुलिस ने नोटिस दिया था पूछताछ करने के लिए, लेकिन उस समय जो जानकारी सामने आई थी कि साहिल खान मुंबई में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया में है और उनकी डैडी की तबीयत ऐसी खराब है, ऐसी जानकारी सामने आई थी। लेकिन आज मुंबई पुलिस के सामने एक्टर साहिल खान पेश होंगे। इस जो मामला है बेटिंग ऐप का, महादेव ऐप मामले में, उस मामले को लेकर मुंबई पुलिस सोसाइटी टीम पूछताछ करेगी। लगभग 15,000 करोड़ का ये मामला है जो महादेव बेटिंग ऐप का मामला है और मुंबई पुलिस की टीम तैयार है। इंतजार करिए साहिल खान पहुंचे और उनसे इस मामले से जुड़े सवाल पूछेंगे। इस मामले में कई एक्टर हैं, उनसे भी लगातार मुंबई पुलिस संपर्क में है और इस मामले जो जो जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस। Right, thanks for giving us those details, Satyavijay. Meanwhile, viewers, it's time to move on now to another top news story today. Now, while interacting with the top Indian gamers, Prime Minister Narendra Modi discussed the differences between gaming and gambling. Prime Minister Modi also asked the gamers to send an email mentioning all their problems with exact key points to his office. Listen in. क्या आपको ये फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब वो ऐसा समझते हैं कि हम जो फास्ट टाइम मानते होंगे, बेस्ट टाइम मानते हैं। हाँ, जैसे हम मतलब गेम्स खेलते वो काफ़ी अलग रहती है, बट वो ऐसे समझते अच्छा ये तो हम जैसे लूडो खेलते वैसी कोई गेम हो गई, बट वैसा नहीं है। वो हम कह सकते हैं कि चेस जैसी एक कॉम्प्लेक्स गेम्स हम मोस्टली खेलते हैं, इसमें बहुत सी मेंटल स्किल्स भी चाहिए रहती है, फिजिकल स्किल्स भी चाहिए रहती है। सर, आरएनजी और स्किल बेस गेम को बहुत हाई एंड करके डिफरेंशिएट करें। सर, आज भारत के एथलीट्स आके ओलंपिक्स में प्रपोज है, एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रपोज है। आप लोग एक काम कीजिए, ये जो क्या समस्या है आपकी, मुझे कभी मेल कर दीजिए ऑफिस में, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप। इधर लाइक पेरेंट्स को जब उनके बच्चे लोग बोलते हैं कि गेमर बनना है, पेरेंट्स लोग को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल गेमर क्या होता है, क्या करता है। गेमिंग मतलब गेमिंग गैम्बलिंग भी समझ जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मोदी जी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया कि गेमिंग अलग होता है, गैम्बलिंग भी अलग होता है और हमने भी बहुत सारे